क्योंकि ये छोटे छोटे कैटालिस्ट हैं जिनकी रिएक्शंस जो है वो बहुत कठिन नहीं है अगर हम समझेंगे तो, क्योंकि आप ऑलरेडी जिगला नाटा पॉलीमराइजेशन आप पढ़े हुए हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कैटालिस्ट है वो है कैटालिटिक रिएक्शन। अगर हम देखेंगे तो वो हम पढ़ेंगे जहां पर रिएक्शंस कार्बन मोनोऑक्साइड को के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कैटालिटिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ऑलिफिन्स, और इनको हम ऑक्सो रिएक्शंस भी कहते हैं। ऑक्सो रिएक्शंस कहते हैं, हाइड्रोफॉर्मिलेशन होगा ऑलिफिन्स का। तो ये जो एक जनरल अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो ये एक ऑक्सो प्रोसेस है। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स की हेल्प से एल्डिहाइड का सिंथेसिस देखेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि जो CHO यानी फॉर्माइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ ऐड होता है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे। सारी जो रिएक्शंस हैं, जो होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली, क्योंकि इन मेथड से कुछ ना कुछ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर हम एल्कीन की हेल्प से एल्डिहाइड प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पर रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें देखनी है। तो होता क्या है कि जो ऑलिफिन है ये हाइड्रोजन और कार्बोनिल से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट इट फॉर्म, आप देख सकते हैं एल्डिहाइड बन गया, देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये डबल बॉन्ड था यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है और एक कार्बन पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है। जो मैंने आपको ये लिखा था कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक साइड तो CHO जुड़ेगा और एक साइड H जुड़ेगा। तो ये जो जुड़ना है ये दो तरीके से हो सकता है। ये जो CHO है वो इस वाले कार्बन से भी जुड़ सकता है और इस वाले कार्बन से भी जुड़ सकता है। तो जब यहां पर जुड़ेगा तो ये लीनियर कंपाउंड है, और अगर यहां पर जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर तो ये एक ब्रांच्ड कंपाउंड है, सेकेंडरी टाइप का जो एल्डिहाइड है वो है, यहाँ पर प्राइमरी एल्डिहाइड है। तो ये दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। जनरली जो लीनियर पॉलीमर है वो अधिक अमाउंट में बनता है, 4:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड अगर हमें एल्डिहाइड नहीं बनाना है, हमें एल्कोहल बनाना है, तो हम पहले एल्डिहाइड बनाए और फिर उसको हाइड्रोजिनेट करके एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है कि हम ऑलिफिन से एल्डिहाइड बना रहे हैं कैटालिटिकली, और उसके आगे भी हम चल सकते हैं, हम उसको हाइड्रोजिनेट करके उससे एल्कोहल्स बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन कहलाती है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पर दो कार्बन एटम थे, इस कार्बन सेंटर पर अगर CHO जुड़ेगा, इस CHO का अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये एल्कोहल मिलेगा। और अगर हम इसका करेंगे जहाँ की ब्रांच्ड हमें सेकेंडरी टाइप का एल्डिहाइड मिला था, तो यहाँ पर इस तरीके का एल्कोहल बनेगा। तो मतलब हम एल्डिहाइड से एल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली ये जो रिएक्शन होती है ये 42 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। प्रेशर जनरली 10 से 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है इस रिएक्शन के लिए। और इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था ओटो रॉयलेन ने 1938 में। तो ये बहुत पहले देखिए इस तरीके की जो खोज है वो की जा चुकी थी 1938 में, जिससे कि जो जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, एक एक ओलिफिन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कैटालिस्ट यूज होते हैं, और जो कैटालिस्ट यूज होते हैं वो कोबाल्ट के हैं, रोडियम के हैं। तो ये तीन मेन कैटालिस्ट हैं जो जो इस हाइड्रोफॉर्मिलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये एक्चुअल में आप देखेंगे ये प्री कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं जनरली। इसके बाद जो कैटालिस्ट होता है वो कुछ और होता है, एक्चुअल में जो कैटालिस्ट एक्ट करने वाला है वो कुछ और होता है, बट दीज आर द प्री कैटालिस्ट जो रोडियम और कोबाल्ट के जनरली होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन को देखें तो अगेन, क्योंकि ये एक होमोजेनियस कैटालिस्ट है तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस जब होगी तो वो किस तरीके की होगी, आप देखिए यहाँ पर ये जो हमने कहा कि ये प्री कैटालिस्ट है CO2CO8, CO2CO8 में क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है। इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसा होगा, बाइन्यूक्लियर होगा। बाइन्यूक्लियर ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है कि CO CO4 बन जाएगा, और CO CO4 में एक एच एक CO CO4 में जुड़ेगा और दूसरा दूसरे में जुड़ेगा, कुछ होमोलिटिक टाइप का ऑक्सीडेटिव एडिशन, बाइन्यूक्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर
HCOCO4 बन गया। तो ये जो HCOCO4 बनी है स्पीसीज, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो अभी भी ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकती है। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में से एक जो कार्बोनिल है वो रिमूव होगा, और जब कार्बोनिल रिमूव होगा देन इट विल बिकम 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज है, यहाँ पर जो स्पीसीज लिखी है ये दिस स्पीसीज, तो ये जो है एक्चुअल में एक्टिव कैटालिस्ट है। तो CO2CO8 में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो HCOCO4 बनेगा, और इस HCOCO4 में से कार्बोनिल जब रिमूव होगा तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगी, जो एक्चुअल में एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगी। अब ये देखिए कैटालिस्ट है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका मतलब इसके पास क्या होगी, वेकेंट साइट होगी। ये वेकेंट साइट पर कौन कोऑर्डिनेट कर सकता है, जो ओलिफिन है जिसमें हमें क्या जुड़ना है, जिसमें हमें एल्डिहाइड बनाने में बदलना है। तो ये जो ओलिफिन है ये कोऑर्डिनेट होगा यहां पर, जहां पर वेकेंट साइट है ये कोऑर्डिनेट होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक ग्रुप डबल बॉन्ड है और एक सीओ है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होगा कि ये जो सीओ ग्रुप है ये बीटा माइग्रेट बीटा पोजीशन पर, ये जो बीटा पोजीशन है यहां पर क्या करेगा ये नहीं सॉरी यहां पर जो एच है, दिस एच इस ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड जो है ये बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो ये यहाँ पर बीटा पोजीशन पर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ये बीटा पोजीशन है और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। और बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद आप देखेंगे कि अगेन आप देखिए यहाँ पर ये क्या था, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड था, यहाँ पर ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो गया, यहाँ पर ये फिर से टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हो गया। इसका मतलब इसमें फिर एक वेकेंट साइट बची हुई है, ठीक है। तो जैसे ये वेकेंट साइट बची है, इस वेकेंट साइट में फिर से कार्बोनिल जो निकला था यहाँ पर वो फिर से ऐड हो जाएगा, तो फिर आप देख रहे हैं ये फिर से पेंटा कोऑर्डिनेटेड हो गया। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुई, इसमें से फिर बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ तो एक एच हट गया, तो फिर से आप देख रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, फिर एक वैकेंट साइट है, तो यहां पर फिर से एक कार्बोनिल बाइंड करेगा तो ये फिर से 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो अगेन क्या होगा, एक अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। देखिए जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां तो बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और जहां पर डबल बॉन्ड नहीं है वहां पर क्या होगा, जो अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। तो ये जो जो अल्फा पोजीशन है यहाँ यहाँ पर जो है वो इंसर्शन होगा, तो इसलिए जो है इसको हम अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन कहते हैं। तो इस अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन, आप देखिए माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है, अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ है, तो इस इंसर्शन के बाद आप देखेंगे एक्चुअल में ये आपको पता है कि ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ इंसर्ट होता है, अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन इसे हम कहेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, क्योंकि जब जब हमारे जो रिएक्शन है जो साइकिल है जब उसमें माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, फाइनली या तो एलिमिनेशन होगा या फिर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, या फिर क्या हो सकता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो होगा, चाहे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा या फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई है, क्योंकि चार कोऑर्डिनेशन है इसका, और इसके बाद इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी जुड़ना है और कार्बोनिल भी जुड़ना है। तो पहला रिएक्टेंट तो कार्बोनिल जुड़ा है, दूसरा रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये जब जुड़ेगा तो इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन से यहाँ देखिए डाइहाइड्रो कॉम्प्लेक्स बन गया है, और ये जो डाइहाइड्रो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और इसके बाद जब डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप रिमूव होंगे। इसको हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि एक हाइड्राइड और एक दिस ग्रुप ये रिमूव होंगे। अगेन इसके पास देखिए HCOCO3 अगेन हमें ये स्पीसीज मिल गई है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो एक COMe निकलेगा और एक COMe से H जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगेन मैं इस साइकिल को बता रही हूँ कि जो कैटालिटिक साइकिल है वो क्या है, जो जो प्री कैटालिस्ट है वो CO2CO8 है, इन प्रेजेंस ऑफ H2 ये एक कैटालिस्ट बनाएगा जो कि फाइनली CO निकलने के बाद 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। इसमें वैकेंट साइट है तो इसमें ओलिफिन कोऑर्डिनेट होगा, ओलिफिन कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पर बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन से एक और वैकेंट साइट मिलेगी, और इसके बाद
यहां पर ये जो कार्बोनिल था वो यहां पर जुड़ जाएगा इसको वॉल सेंटर से, और उसके बाद इसमें अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद अगेन ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हो गई, 16 इलेक्ट्रॉन हो गई, तो अगेन इट हैज अ वैकेंट साइट। इस पे H2 जुड़ेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा जो कि सिस पोजिशन पर जुड़ेगा, और उसके बाद क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है तो फाइनली क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा और जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज बन जाएगा, और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। तो आपने देखा जो इसको कहते हैं हाइड्रोफॉर्मिलेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमें क्या मिला है कि जो डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड में, यहाँ पर सॉरी, ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड में एक साइड टू CHO ग्रुप जुड़ गया है और एक जो CH2 ग्रुप था उसमें क्या जुड़ गया, H ग्रुप जुड़ गया है। तो इस तरीके से एक हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो अगर हम इसको, इस पूरे हाइड्रोफॉर्मिलेशन को देखें तो यहाँ पर ये सेलेक्टिव रिएक्शन है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रिएक्शन है, और जो यहाँ पर एक फैक्टर एक्ट करता है वो है स्टेरिक हिंडरेंस। जनरली होता क्या है, जो प्राइमरी एल्डिहाइड है इट इज मोर वैल्यूएबल देन सेकेंडरी एल्डिहाइड। जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था, आपने देखा था दो तरीके के प्रोडक्ट हमें मिल रहे थे, कि एक तो यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ रहा था, और ये जो है CH3, यहाँ पर, यहाँ ये जो है दिस ग्रुप इज CH3 ग्रुप, ठीक है, ये पूरा ग्रुप CH3 था। और दूसरा क्या था कि ये जो ग्रुप था ये CHO ग्रुप था और यहाँ पर H जुड़ गया था। तो ये एक प्राइमरी है और ये एक सेकेंडरी एल्डिहाइड है। तो ये जो एल्डिहाइड है इसका इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियली, तो ये बनना चाहिए हमें अधिक मात्रा में, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो सेलेक्टिव हमें बनाना है कि हमें केवल ये चाहिए, तो हम क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं इसके लिए, जिससे कि केवल हमें ये प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके की फॉस्फिन ऐड करें मीडियम में जो कि बल्की हो, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होती है और उससे जो है वो जो प्राइमरी एल्डिहाइड है वो अधिक बनता है और 8:1 के रेशियो में भी बनता है। तो इसका मतलब अगर हम रिएक्शन मीडियम में बल्की ग्रुप्स डाल दें, यानी ये जो फॉस्फिन्स हैं वो बल्की स्टेरिक हिंड्रेंस वाली फॉस्फिन्स डाल दें तो हमें प्राइमरी एल्डिहाइड मिलता है। प्रेशर की रिक्वायरमेंट जनरली 5 to 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर होती है जब इस तरीके के बल्की ग्रुप्स हम यूज करते हैं। अगर हम इस रोडियम के कैटालिस्ट को देखें तो ये बहुत एक्टिव है, एक एक एटमोसफेयर पर ही काम कर जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये जो है 20:1 का रेशियो बनाता है, मतलब 20 प्राइमरी एल्डिहाइड बनता है और जो 1 है वो सेकेंडरी एल्डिहाइड बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक लिगेंड है, देखिए, जिसमें कि बल्की ग्रुप्स है, PBH3 ग्रुप है, तो ये जो है वो क्या कर रहा है, प्राइमरी एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है। और ये एक ग्रुप है, ये एक बहुत अच्छा एक्टिव कैटालिस्ट है, बट इसकी सिलेक्टिविटी बहुत पुअर है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि लिगेंड जो है वो CO टाइप के लिगेंड है। तो पुअर सिलेक्टिविटी जनरली कहां पर होगी, जहां पर लिगेंड बल्की नहीं होंगे, जहां पर बल्की होंगे वहां पर जो प्राइमरी है वो अधिक बनेगा और जो सेकेंडरी है वो कम बनेगा, ओके। और जनरली मैंने आपसे कहा कि जब भी ऑक्सो प्रोसेस होगी, हाइड्रोफॉर्मिलेशन होगी प्रोसेस, तो PbH3 ऐड किया जाता है मिक्सचर में, जिससे कि जो जो हमारा कंपाउंड है जो बन रहा है वो क्या, वो प्राइमरी एल्डिहाइड। तो नंबर 1 जो फैक्टर है जो सेलेक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है स्टेरिक हिंडरेंस। जितना स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करेंगे उतना क्या होगा, लीनियर पॉलीमर बनेगा। ये लीनियर आसानी से बनेगा क्योंकि ये जो पॉलीमर है ये बनना कठिन हो जाएगा, इसमें खुद स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, ब्रांच टाइप का है, इसलिए ये उतना आसान नहीं होगा जितना आसान प्राइमरी होगा, अगर हम क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे रिएक्शन मीडियम में, तो सेलेक्टिविटी बढ़ेगी टुवर्ड्स प्राइमरी एल्डिहाइड। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए ये जो HCO CO3 है, ये किस, अच्छा, किस मेथड से ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्डिहाइड्स बनाते हैं, कैसे बना देते होंगे। हमने कहा कि ये प्राइमरी बना रहे हैं और सेकेंडरी बना रहे हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, दो मेन मेथड हो सकते हैं, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन हो सकता है या एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन हो सकता है। तो कौन सा एडिशन ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन मिक्सचर में स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है। तो अगर ब्रांच्ड चेन बन रहा है तो तब बनेगा जबकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है, और ये तब बनेगा जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि ये जो ऑलिफिन है ये दो तरीके से ऐड हो रहा है, देखिए CO CO, ये देखिए, अब यहां पर जब ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये ऑलिफिन कोऑर्डिनेट हुआ, देखिए CO H CO CO, ठीक है, CO
और यहां पर एक वेकेंट साइट है, तो यहां पर एक जो ओलिफिन है वो अटैच हो। अब आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, ये देखिए यहां पर भी अटैक कर सकता है और यह यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, CH2 है, ठीक है, और यहां पर कितने एच है, एक एच है। तो अगर ये जो अटैक है एच का, अगर यहां पर होगा, तो ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि जो एडिशन है वो वहां पर होगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन अधिक है। तो अगर यहां पर हाइड्रोजन अटैच होता है, देखिए हाइड्रोजन कहां पर अटैच हो गया, CH3 बना लिया हाइड्रोजन ने, तो CH3 बना लिया, और यहां पर ये कोबाल्ट जो है वो यहां से बाइंड हो जाएगा, कोबाल्ट यहां से बाइंड होगा तो CR, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ फॉर्म में अगर ये अटैच होता है, तो ये वहां अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो उस केस में ये यहां पर बाइंड होगा। अगर ये यहां पर बाइंड होगा तो क्या होगा, यहां से CO बाइंड होगी, CO CH2 CH2R, तो ये देखिए ये बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो कि लीनियर प्रोडक्ट है, जिसे हम प्राइमरी एल्डिहाइड भी कह रहे हैं, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की एडिशन की वजह से होता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से होता है। तो यहां पर आप देखिए ये ब्रांच्ड है और यहां पर देखिए लीनियर है। तो जो ब्रांच्ड है, जो ब्रांच्ड कंपाउंड बनने वाला है, जो ब्रांच्ड टाइप का जो एल्डिहाइड बनने वाला है, वो मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से है, और जो जो स्ट्रेट चेन बनने वाला है, जो लीनियर बनने वाला है, वो ड्यू टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छा पॉलीमर माना जाता है, जिसमें कि ये पोर्शन क्या होगा, लीनियर होगा और लीनियर एल्डिहाइड बनेगा। तो आप ये देखेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग अगर हम यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें हो जनरेट इस पॉलीमर में, तो वो इस तरीके का बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पहले से ही इसमें ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग को कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए लीनियर प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से ये जो जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करती है, वो मार्कोनिकॉफ एडिशन को फेवर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस पैदा हो जाएगी, अगर यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप्स होंगे तो यहाँ पर हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फेवर नहीं करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फेवर करती है। और अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी, और जो जो पॉलीमर है वो लीनियर होगा, जो कि हमें चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस प्रोटॉन लाइक एक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये अपना प्रोटॉन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू ही देते हैं, ये लीनियर प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, वो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करती हैं और लीनियर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करेंगी। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है कि जो लीनियर है वो कैसा होगा। अगर सबस्ट्रेट स्टाइरीन है, यानी एरोमेटिक सबस्ट्रेट, एरोमेटिक तो नहीं कहेंगे इसको एक्चुअल में, हाँ एरोमेटिक रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इस तरीके का अगर सबस्ट्रेट होगा तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। और अगर एलिफेटिक ओलिफिन होगा तो नहीं, यहां पर ब्रांच्ड बनेगा, अगर ये स्टाइरिन है तो ब्रांच्ड बनेगा, लीनियर कम बनेगा। ठीक है, और अगर एलिफेटिक है तो ये लीनियर बनेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एलिफेटिक ओलिफिन होगा तो लीनियर पॉलीमर बनेगा, और अगर स्टाइरिन होगा तो ब्रांच्ड पॉलीमर बनेगा। तो ये हमें देखना होगा कि मुझे ब्रांच पॉलीमर चाहिए कि मुझे लीनियर पॉलीमर चाहिए। अगर मुझे ब्रांच पॉलीमर चाहिए तो मैं जो हिंड्रेंस है उसे कम कर दूं, अगर मुझे ब्रांच चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को यूज करूं, अगर मुझे ब्रांच चाहिए तो मैं स्टाइरिन का यूज करूं, तो मुझे ब्रांच पॉलीमर मिलेगा। तो मुझे कैसा पॉलीमर चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं स्टेरिक हिंड्रेंस रखूंगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रखूंगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं सबस्ट्रेट लूंगी कि कौन सा सबस्ट्रेट लेना है। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू एसिमेट्रिक हाइड्रोफॉर्मुलेशन भी किया जा सकता है, यानी एसिमेट्रिक स्पीसीज बनाई जा सकती हैं। और आप जानते हैं कि जो एसिमेट्रिक स्पीसीज है वो ड्रग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो एक आइसोमर पर्टिकुलरली ड्रग की तरह एक्ट करता है, दूसरा टॉक्सिक की तरह एक्ट करता है। इसलिए ये जो जैसे स्टाइरिन है, तो स्टाइरिन के केस में आप देखेंगे कि ये जो सेंटर है यहां पर, ये तो CH2 ग्रुप है,
ठीक है, और यहां पर एच है एक ग्रुप, तो यानी इस पोजीशन को हम काइरल बना सकते हैं। तो अगर हमें काइरल कैटलिस्ट लें, आर एच वन काइरल फॉस्फेन लिगेंड ले लें यहां पर काइरल, तो यहां पर जो बनने वाले जो पॉलीमर है वो क्या बनेंगे, काइरल बनेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एच ग्रुप होगा, तो ये एक काइरल मॉलिक्यूल बन गया जो कि 95% बनता है। और इनकी हेल्प से आप देख रहे हैं क्या बना सकते हैं, हम ड्रग्स बना सकते हैं। जैसे ये डेक्सी वो प्रोफेन है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, वो इसी हाइड्रोफॉर्मिलेशन से हम बनाते हैं, जो जो प्रोकाइरल सेंटर है इसमें क्योंकि। और दूसरा आप देखेंगे कि जो कैटलिस्ट है वो हम क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं जिसमें काइरल सेंटर होगा। तो एसिमेट्रिक हाइड्रोफॉर्मिलेशन किया जा सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने देखिए, हमने कोबाल्ट की साइकिल देखी, जो कोबाल्ट है वो किस तरीके से हाइड्रोफॉर्मिलेशन देता है, उसी तरीके से जो रोडियम का जो कैटालिस्ट है वो कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस शो करता है वो यहाँ पर दिखाई है, कैटालिटिक हाइड्रोफॉर्मिलेशन बाई दिस रोडियम कैटालिस्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो रोडियम कैटालिस्ट है इसमें एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। ये बल्की ग्रुप क्या है, PPH3। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें सबसे पहले होगा कि ये जो बल्की ग्रुप है ये निकलेगा, यानी PPH3 जो है वो रिमूव होगा, -PPH3। ये एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसमें से PPH3 निकलेगा और ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि इसमें बल्की ग्रुप है तो ये एक्टिव कैटलिस्ट क्या होगा, ये होगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये देखिए ओलिफिन को कोऑर्डिनेट करेगी, और कोऑर्डिनेशन के बाद इसमें बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हो सकता है क्योंकि दो स्पीसीज है, एक ओलिफिन और एक हाइड्राइड। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, तो आप देखिए एक वेकेंट साइट फिर क्रिएट हो गई यहाँ पर, और इस वेकेंट साइट में फिर से सीओ जुड़ेगा क्योंकि एक सीओ जुड़ना है और एक H2 जुड़ना है हाइड्रोफॉर्मिलेशन में। तो यहाँ पर सीओ जुड़ेगा, सीओ जुड़ जाएगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएगी। देन आप देखेंगे अगेन अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, जब एक कार्बोनिल आपको दिखेगा जनरली और एक एल्केन दिखेगा, तो अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद अगेन इट हैज वन वेकेंट साइट, ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, और इस वेकेंट साइट की वजह से इसमें H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद ये जो है ये रिमूव हो जाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये देखिए RHCOPPH3 होल ट्वाइस, तो ये हमें जो कैटालिस्ट है वो फिर से जनरेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेन जो साइकिल है अगर आप देखेंगे इसके केस में, तो आप ये देखेंगे कि एक हमने क्या लिया, कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट जो लिया यहाँ पर, दो तरीके के कैटालिस्ट आपने देखे, एक कोबाल्ट का देखा, एक रोडियम का देखा। तो कोबाल्ट के कैटालिस्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पर पहले तो वो H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन है, तो हमें क्या मिलती है स्पीसीज HCOCO4, और इसके बाद हमें मिलती है जो फाइनल जो स्पीसीज है जो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करती है HCCO3, यहाँ से एक CO निकल जाएगा। तो ये जो है मेन कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, जबकि आपने देखा कि RHPPH3 जो है होल थ्राइस, ठीक है, और CO। तो यहां से क्या होगा कि यहाँ पर H भी है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, पहले एक PPH3 रिमूव होगा, और PPH3 रिमूव होने के बाद RHHCO and PPH3 होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज होगी 16 ले, अब इसके आगे जो है वो एक सा प्रोसेस होना है, क्या प्रोसेस होना है, दोनों के केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो पहले जो ये जो ग्रुप है इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। जब इसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जब ये ऐड हो जाएगी, तो एक हमारे पास ये ग्रुप है और एक हाइड्राइड है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा वो होगा बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। फिर क्या होगा, बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन होगा नेक्स्ट स्टेप। जब बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा तो उसके बाद इसमें एडिशन किसका होगा, सीओ का, फिर से एक वैकेंट साइट बनेगी। उसके बाद क्या होगा, अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन, अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से वैकेंट साइट बचेगी, तो इसमें फिर क्या होगा, H2 का एडिशन होगा। और जब H2 का एडिशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये एक ही से आप देख सकते हैं, और ये जो जुड़ रहा है सीओ, ठीक है, और एक ओलिफिन, और इसमें जुड़ रहा है H2। तो ये तीन जब जुड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट है इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये अगर स्टिरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, ठीक है, ये आपने फैक्टर देखे। और अगर एलिफेटिक रिएक्टेंट होगा तो आप देखेंगे कि प्राइमरी का फॉर्मेशन होगा, यानी जो लीनियर पॉलीमर है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हाइड्रोफॉर्मिलेशन को हम देख सकते हैं कि कितना इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एल्डिहाइड बन रहे हैं उनसे हम फर्दर फिर एल्कोहल बना सकते हैं। सो ओवरऑल रिएक्शन आपने देखी कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, कि ये जो ओलिफिन है इसकी रिएक्शन CO एंड H2 के साथ है, कैटलिस्ट है होमोजेनियस, कोबाल्ट के हो सकते हैं या रोडियम के हो सकते हैं, रोडियम 1 के। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, या तो ये फॉर्मेशन होगा और या फिर ये फॉर्मेशन होगा CHO, ये फॉर्मेशन होगा। तो ये लीनियर पॉलीमर है और ये लीनियर एल्डिहाइड है, और ये क्या है, ब्रांच्ड एल्डिहाइड। तो इस तरीके से एक एक एच यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर नहीं, तो एक एच यहाँ जुड़ेगा और एक जो CHO ग्रुप है वो यहाँ जुड़ेगा। यहाँ पर क्या है, CO+H2 CHO ग्रुप है और एच ग्रुप है। तो इस तरीके से हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन एक किसके अंदर आया, होमोजीनियस कैटालिस्ट के अंदर आया, जहां पर कोबाल्ट और रोडियम के जो कैटालिस्ट हैं वो होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। और इसमें आपने इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट देखी कि किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एल्डिहाइड्स हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हेल्पफुल है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को, यस मैम, हाँ सबको क्लियर है हाइड्रोफॉर्माइलेशन? जी।